हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम दो या तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसको धागे को ऐसे लेंगे, फिर हम एक रोल करेंगे, उसके बाद हम इसको दो रोल करेंगे, फिर यहाँ पर हम पकड़ के चेन बनाएंगे। यस, एक दो तीन चार, इस तरीके से हमें 16 चैन बनानी है। चलिए हम 16 चैन बनाते हैं। तो ये हमने 16 चैन बना ली है। अब इसके बाद हमें 3 चैन एक्स्ट्रा बनानी है। एक दो तीन, 3 चैन एक्स्ट्रा बनाने के बाद चौथे नंबर की जो चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। एक दो तीन, ये जो चौथे नंबर का है उसमें भी डबल क्रोशिया करना है एक बार। तो पहले हम एक रोल करेंगे, फिर ऐसे ये हमने ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया। ऐसे ही हमें इस पूरी चेन में हमें सिंगल बार डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए हम ये करते हैं। ये देखिए, हमने 16 बार डबल क्रोशिया कर लिया है सिंगल। अब हम 3 चेन बनाएंगे, एक दो और तीन, फिर उसको टर्न करेंगे। फिर ये 3 चेन तो हमें छोड़नी है, साथ में एक और चेन हमें छोड़नी है, और जो 5वें नंबर की चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। जो हमने ये पहली रो बनाई थी उसमें हमने सिंगल बार डबल क्रोशिया किया था हर चेन में। अब जो हम ये वाली सेकंड रो बना रहे हैं उसमें हमें हर चेन में डबल बार डबल क्रोशिया करना है। जैसे कि हमने एक बार सिंगल बार कर लिया, अब इसी वाले जो ये है होल उसी में हमें एक बार और सिंगल डबल क्रोशिया करना है। तो ये डबल क्रोशिया कंप्लीट। ऐसे ही हमें ये 16 चैनों में दो दो बार डबल क्रोशिया करना है हर चेन में। तो ये हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने डबल क्रोशिया दो बार करके कंप्लीट कर लिया है। पहले में हमने 16 बार किया था, अब इसमें हमने डबल किया है 16 का। तो 16 का डबल करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो हमने ये 32 बार किया है, कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। ये जो धागा निकल रहा है इसको हम कट कर देते हैं। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, एक दो और तीन। ये 3 बार हमने चेन बना लिए। अब इसको हम टर्न करेंगे। ये हमने 3 चेन बना लिए। इसके बाद हम एक 5 बार डबल क्रोशिया करना है हमें 5 चेन में। तो ये हम कंप्लीट करते हैं 5 बार। एक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दो, ये हमने 5वें डबल क्रोशिया कर लिया है। एक दो तीन चार पाँच, ये 5 बार हो गया है। तो ये एक्स्ट्रा इसको हटा देंगे। अब हमें 6 चेन छोड़नी है। एक दो तीन चार पाँच 6, जो 7वें नंबर की चेन है उसमें हमें डबल क्रोशिया करना है। ये इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया करना है। तो ये अब हमारी जो ऊपर का हिस्सा है वो बनने लगा है, चोली जो हम बना रहे हैं वो बनने लगी। अब हमें इसमें 8 बार हमें चेन में डबल क्रोशिया करना है, 8 बार। ये देखिए, हमने 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। एक दो तीन चार पाँच
6, 7, 8, 8 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हमें फिर से 6 चैन छोड़नी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं चेन से हमें डबल क्रोशिया फिर से करना है, तो फिर से हमें ये 5वां यहाँ पे करना है। ये एक बार, दो बार, ऐसे मेरे बाकी तीन चरण में करना है। तो देखिए ये हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है, 5 चरण बना के। ये कुछ इस टाइप की चोली बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हमें 3 चेन फिर से एक्स्ट्रा बनानी है, 1, 2, ये 3। फिर इस वर्क ऑन टर्न करेंगे, उसके बाद फिर ये 4 चेन छोड़ने के बाद 5वीं चेन से हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। सिंगल बार हमें इसमें डबल क्रोशिया करना है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें इसमें डबल क्रोशिया करना है सिंगल बार। ये ऐसे ही हमें इस पूरी चेन में हमें डबल क्रोशिया सिंगल बार करना है, तो ये हम कंप्लीट करते हैं। तो ये हमने चोली बना के कंप्लीट कर लिया है। इस वाली लाइन में हमने सिंगल बार डबल क्रोशिया किया था, अब इसको हम जॉइंट करेंगे। चलिए इसको हम जॉइंट कर लेते हैं। ये जो हमने 3 चेन एक्स्ट्रा बनाई थी, इसका जो 3री चेन जो लास्ट वाला जो है, तीसरा वाला, उसमें हमें एक बार सिंगल क्रोशिया करना है। कुछ इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब इसमें हमें